ये मेरा प्लाट है, ये मेरा घर बन रहा है, ठीक है, मैं बेवा औरत हूँ। बहुत मुश्किल से मैं इस मंजिल पे पहुँची हूँ और मेरा कोई सहारा नहीं है। बिस्मिल्लाह, तो आपका तो ये बहुत एक बड़ा ख्वाब होगा कि अपना घर बना। बहुत बड़ा ख्वाब था कि मेरा अपना घर हो, अल्लाह ताला ने मेरा पूरा कर दिया। अनीस भाई, आप क्या करते हैं? भैया मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, कहाँ पे आपका रिक्शा? मेरा वो वाला रिक्शा खड़ा है, वो साथ ही मेरा प्लॉट है। अच्छा, वो रिक्शा जहाँ पे खड़ा है उसके साथ ही आपका प्लॉट है। मेरा घर बन रहा है। आपका घर बन रहा है, आप खुद बना रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर टोकन के साथ ही पोजेशन दिया जा रहा है, क्या इस बात में कितनी रिहायश है और आपका हाउस नंबर क्या है इधर? बिल्कुल ऐसे ही है, ये हकीकत है। इधर 10,000 रुपए आप टोकन दे आपको कब्जा मिल जाएगा। ठीक है, मेरी रिहाइश 452 नंबर ओवर ब्लॉक में है। ठीक है, ठीक है, और मैंने भी 10,000 रुपये दे के कब्जा काम शुरू कर दिया था अपने प्लॉट पे। वो आदमी जो किराए पे रह रहा है, जितना वो किराया पे कर रहा है उतनी काम किस्त रखी है। पहले हम पोजेशन दे देते हैं ताकि वो उधर आके शिफ्ट हो जाए, जो वो किराया दे रहा है वो ही आप किस्तों में दे के तो अपना घर बना रहे। जी शरी, रेडी हैं? हाँ जी, ये तो शाम साहब, फिर आज का क्या प्रोग्राम है? शरी, ऐसे है कि जैसा कि हमारी एक लॉगमेंट्री की जो पहली एपिसोड थी खुदा की बस्ती, उसके ऊपर हमें एक बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। अब ऐसे है कि एक और हमारे प्यारे भाई होते हैं फजल भाई, फजल भाई ने हमारी खुदा की बस्ती वाली वो देखी पूरी की पूरी लॉगमेंट्री जो हमने बनाई हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार मैं भी एक बिल्कुल सिमिलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो आप लोग ये जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ वो भी गरीबों और मुस्तहक लोगों के लिए, कि वो बहुत कम पेमेंट देकर राइट अवे कब्जा लेकर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा क्योंकि मैंने इस तरह की चीज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। तो अब मैं जा रहा हूँ फजल भाई के पास, उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं देखता हूँ वहाँ पर जाकर आखिर क्या वाकई कब्ज़ा मिल रहा है। वहाँ के रेजिडेंट से भी बात करेंगे और किस तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनको भी जाकर एक्सप्लोर करते हैं कि आया क्या गरीब लोग वहाँ पर हैं कि नहीं। आप बल्कि साथ ही हैं, आए ज़रा फिर साथ ही चलो। थीम पार्क वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी मेन मुल्तान रोड पर वाकया है, जो बुनियादी सतह पर ठोकर न्याज बेग से तकरीबन 7 किलोमीटर की ड्राइव पर है। हमें ठोकर न्याज बेग से सिर्फ 10 मिनट लगे थीम पार्क पहुंचने में, और यहां आकर हमने सबसे पहली मुलाकात फजल भाई, जो कि हमारे मेज़बान थे, उनसे की, और उन्होंने हमें सोसाइटी के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू प्रोवाइड किया। जी खवातीन हज़रात, को हम मौजूद हैं इस वक्त, भाई हैं हमारे जो हमारे होस्ट भी हैं आज, जिन्होंने हमें बुलाया इस प्रोजेक्ट के बारे में आगाही देने के लिए। आइए इनसे थोड़ी सी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं फजल भाई से कि आखिर कितना अरसा लगा इन्हें, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितने लोग इस वक्त मकीन हैं। तो बहुत शुक्रिया मेरे कहने पे यहाँ पे तशरीफ लेके आए हैं। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये फ्लाई प्रोजेक्ट है, यहाँ पे तकरीबन 5,000 से 6,000 घर लोग जो रहायश है वो अख्तियार कर चुके हैं। अच्छा, 5,000 से 6,000 घर बन के लोग उसमें रहायश पजीर हैं। हाँ, ठीक हो गया। और ये तकरीबन 100% लोग वो है जो 15-20,000 रुपया किराया देते थे ना, ठीक है, उनके लिए ये बेसिकल प्रोजेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ ओनली गरीब लोगों के लिए। हर ब्लॉक की हमारी मस्जिद बन रही है, हर ब्लॉक के अंदर पार्क है, ठीक है, वाटर प्लांट लग गया हमारा, ठीक है, साफ पानी के लिए। वैसे भी यहाँ का पानी जो है तकरीबन 60 फुट पे है, बहुत अच्छा मीठा पानी है। तकरीबन 20,000 से 25,000 प्लांट बिक चुका है। बिक चुका है, जो लोगों ने 4 दुआरियाँ कर ली हैं वो 10,000 के करीब है घरों के, जो अभी रहशे नहीं रखना चाहते वैसे लेके। हमारा बेसिकल है मौके पे कब्जा, ठीक है। आप 2,00,000 रुपया हमारा एडवांस है, 10,000 रुपया उसकी किस्त है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमांड हो रही है कि इस पे तकरीबन 1,00,000 से लेके 3,00,000 रुपया तक ऑन चल रहा है, मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ हर ब्लॉक का हिसाब से ना ऑन है, ऑन हमारा चल रहा है, ठीक है। और दूसरी फैसिलिटियाँ जो है, ये पीछे हमारा न्यू यूबन सारी ब्लॉक है, इसकी टोटली तौर पे होगी सीवरेज डल गया, ठीक है, और टफ टायर लग चुकी है, इसके अंदर ये मुकम्मल हो चुका है। मस्जिदें हमारी 3 माशाल्लाह बन गई हैं, ठीक है, और 2 जो हैं वो स्टार्ट है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे ये हमारा प्रोजेक्ट आगे मुकम्मल हो रहा है। 24 घंटे हमारे पास वो जनरेटर अवेलेबल है, वो चल रहा है, ठीक हो गया। तो वापटा की कितने हिस्से तक आपको लगता है? तकरीबन 50 हिस्से तक हमारी जो है ना वापटा चल रही है। चल रही है, हाँ।
और 50% आपने बाकी जनरेटरों पे हमने चलाई हुई है, जिधर अभी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, सड़कें हमारी अभी बन रही हैं, ठीक हो गया वहाँ पे। ये है हमारा जी, ये लिंक कर रहा है मेन मुल्तान रोड को, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे जो इन्वेस्टर आते हैं, प्लाजे बनाना चाहते हैं, दुकानें बनाना चाहते हैं, थोड़ी रेंट पे चल रही हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है। और ये सारी है कैश पे है, ठीक है, फुल पेमेंट कैश पे, यहाँ पे तीन साल मौके पे होता है। और ये तकरीबन ढाई मरले पाँच मरले के कमर्शियल प्लॉट है 80 फुट रोड के ऊपर, ठीक हो गया। तकरीबन एक माह तक ये सड़क कारपेट हो जाएगी जी। मैं देख रहा हूँ कि ट्रैक्टर वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है। आप लोग ये जो इन्वेस्टर इधर पैसा लगाता है, फिर आप लोग इससे सोसाइटी की फर्दर डेवलपमेंट करते हैं? हाँ, इससे इसकी पेमेंट जो आ रही है ना, उसके साथ साथ सारी डेवलपमेंट हो रही है। इसका सीवरेज दोनों साइडों पे मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, इन ब्लॉकों के अंदर भी सीवरेज सारा मुकम्मल हो चुका है, और ये 80 फुट रोड के ऊपर भी दोनों साइडों पे सीवरेज जो है ना वो डाल चुका है। अब इसकी इसने कॉर्पोरेट होना है, ठीक है, वगैरह हो रहा है, मशीनरी लगी हुई है, काम कर रही है, ठीक है, इसके फौरन बाद जो है ना इसने कॉर्पोरेट होना है। साथी नजरात, हम इधर वॉक करके एक रहायश गाह के बाहर आए हैं, तो आइए इनकी बेल देते हैं, इनसे पूछते हैं। मकान नंबर 96 है, रियाज अहमद साहब का। आइए जरा पूछते हैं, इधर देखते हैं कि ये घर पर मौजूद हैं कि नहीं है। अगर मेरा कैमरा मैन इस चीज़ को कवर कर सकें, आ जाए जरा। सर कैसी तबीयत? बड़ी माजरत आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रियाज अहमद। आपका नाम रियाज अहमद जी, जी। तो सर क्या करते हैं आप? मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। तो सर आर्मी से आप रिटायर्ड हैं, तो इधर आप इस सोसाइटी में कैसे आना हुआ और क्या आपने? मैंने दो तीन विजिट किए, प्लाट लेने की तलाश में था। मैंने दायमा जितनी भी सोसाइटियाँ उनमें विजिट किया है, ठीक है, और यहाँ पे भी विजिट किया है। अच्छा। तो मुझे जो है ना इस सोसाइटी में रेट के हिसाब से और बाकी आबादी के लिहाज से ये बहुत अच्छी सोसाइटी लगी, तो मैंने इसलिए इस सोसाइटी का इंतखाब किया। तो मैंने यहाँ पे जो है ना सहूलियात के बारे में थोड़ा बताइएगा कि आपको फैसिलिटी है, मतलब पानी, सेहत की, या स्कूल जो है बच्चों का, उस लिहाज से आप क्या मुतमईन हैं? फैसिलिटी के हिसाब से देखें सर, रोड़े वगैरह हैं, अभी तो कच्ची हैं लेकिन बन रही हैं, और बिजली वगैरह का इंतजाम बहुत अच्छा है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो ना इसके आस पास जो ना प्राइवेट स्कूल भी वो भी हैं, वहाँ पे भी जो बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं इसके हवाले से सोसाइटी के अंदर प्राइवेट स्कूल वगैरह वो भी हैं। ओवरऑल आप मुतमईन है इस इधर अपना घर बना? अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। ठीक है, और आप क्या मशवरा देते हैं कि गरीब आवाम को इधर एक सहूलत मिल रही है जो मौके पर कब्जे की, उससे फायदा उठाना चाहिए? जी जी बिल्कुल उठाना चाहिए, खासतौर पर ये मजदूर तबका जो लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी जो है ना फैसिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना डाउन पेमेंट पे ही जो है ना सब तबका मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। और बाकी जो है ना मजदूर तब आदमी जो है वो दिन दिहाड़ी करके भी जो है ना अपने अगर 100 रुपया अभी दिन को बचाएं तो वो महीने की इंस्टॉलमेंट आसानी से वो दे सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। जी ख़वातीन हज़रात, हम मौजूद हैं यहाँ की एक माँ जी के साथ, जो कर यहाँ पर अपना प्लॉट बनवा रही हैं। आइए ज़रा इनसे पूछते हैं कि इनका सफ़र कैसा रहा और ये कैसा फील कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। माँ जी अपना नाम बताइएगा ज़रा। मेरा नाम है सैदा परवीन बीबी। सैदा परवीन बीबी जी, तो आप इसी सोसाइटी में आपने अपना प्लॉट लिया है? हाँ जी, इस कॉलोनी मैंने अपना प्लाट लिया है और इसका एडवांस दिया है। दूसरा, मैं हर महीने की किस्त 11,000 अदा कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। किधर है आपका प्लॉट और आप घर भी बन रहा है? ये मेरा प्लाट है, ये मेरा घर बन रहा है। ठीक है। मैं बेवा औरत हूँ। अच्छा। बहुत मुश्किल से मैं इस मंजिल पे पहुँची हूँ। बिस्मिल्लाह। तो और मेरा कोई सहारा नहीं है। बिस्मिल्लाह। तो आपका तो ये बहुत एक बड़ा ख्वाब होगा कि अपना घर बना। बहुत बड़ा ख्वाब था कि मेरा अपना घर हो। बिस्मिल्लाह। और ये ख्वाब इसको इस अल्लाह ताला ने मेरा पूरा कर दिया। बिस्मिल्लाह। कब्जा मैंने आसानी से मिल गया, मौके पे ही कब्जा। हाँ, मौके पे कब्जा दे दिया। ठीक है। अब ये आप अपना घर बनवा रही हैं अपनी निगरानी में? हाँ जी, मैं खुद आप खड़ी होकर घर बनवा रही हूँ। वाह वाह, बहुत हिम्मत है ये तो आपकी। बहुत अल्लाह ताला आपका इसमें आसानियाँ पैदा करे। तो क्या कहना चाहेंगी कोई गरीब लोग, आप जैसे जो लोग हैं या जो बेवा औरतें हैं, तो क्या ये कॉलोनी उनके लिए महफूज है? क्या वो इसमें अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा कर सकती हैं? हाँ कह सकती हूँ, आ जाएं, बनाएं,
तो अल्लाह ताला उनकी मदद कर दे, बस उनकी मेहरबानी है। खुशी ने पैसे लिए हैं, उस फौरी कब्जा दे दिया, मैंने घर बनवा लिया है। आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल हमें इस सोसाइटी के करता धरता मेन पर्सनालिटी सीईओ फाउंडर इस सोसाइटी के ओपिनियन लेंगे उनका कि उनका क्या विजन था इस सोसाइटी के पीछे, किस विजन के तहत उन्होंने ये बनाई है सोसाइटी और किस तरीके से वो इसके अंदर अपना प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं और आगे किस तरह से मुस्तकबिल देख रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे इस सोसाइटी को आगे लेके चलना चाह रहे हैं। क्या हाजी साहब, आपने हमें अपने बहुत ही टाइट स्केड्यूल में से वक्त दिया, तो हाजी साहब बताइएगा कि ये सोसाइटी आप का मकसद क्या था शुरू करने के लिए, किस मकसद के तहत आपने ये सोसाइटी आखिर शुरू की और क्या आपका विजन था इस सोसाइटी के पीछे, उससे ज़रा थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। पहले तो आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, ये हमारी गरीब लोगों की सोसाइटी है। बिस्मिल्लाह। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में 80% लोग हैं ना जो दरमियाना तबका है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो नकदों में प्लाट खरीद सके। बेशक। इसलिए वो प्लाट की सोच छोड़ के ना किराए पे घर ले लेते हैं, तो उसमें रहना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो जब वो उसे तंग आ जाते हैं, फिर भी उसकी कोई उसे क्षमा नहीं मिलती कि यहाँ पे उसको घर बांध दे। यही मेरी सोच थी कि वो आदमी जो किराए पे रह रहा है, जितना वो किराया पे कर रहा है उतनी कम किस रखी है। पहले हम पोजेशन दे देते हैं ताकि वो उधर आके शिफ्ट हो जाए, जो वो किराया दे रहा है वही आप किस्तों में दे के तो अपना घर बना रहे। बेहतरीन हो गया। और जब उसका घर बन जाएगा फिर वो खुशहाल होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। ये सोच ले के हम उठे हैं, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। बेशक, अल्लाह ताला इसमें कामयाबी आपको बिल्कुल अनायत करेगा। तो हाई साहब बताइएगा कि आगे मुस्तकबिल में आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या आप इसके अंदर कोई स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल या वो सहूलियात जो एक गरीब इंसान जो चाहता है बुनियादी सतह पर जो उसकी बुनियादी सहूलियात होती हैं, क्या आप उसको भी देख रहे हैं कि वो इस सोसाइटी में आप आगे मजीद फराहम करेंगे, हॉस्पिटल स्कूल लड़कियों की एम्पावरमेंट या कोई ऐसा टेक्निकल स्किल जो इधर सीखने को मिलेगा बच्चों को, ऐसा हाँ, भी कोई आप मुस्तकबिल में विजन रखते हैं? बिल्कुल जी। अभी हमारा जो है ना हाई स्कूल है जो यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, जिनकी किताबें भी फ्री हैं और उनकी किताबें और वर्दी भी फ्री है और फीस भी नहीं ली जाती माशाल्लाह, उसके अलावा उनको खाना भी खिलाया जाता है। असल में ये जो है ना वेलफेयर सोसाइटी है। बिल्कुल ठीक हो। कोई कारोबार की नीयत से ये बनाई नहीं गई है, ये तो सिर्फ वेलफेयर ही है। इसका पैसा जो है ना इसी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, यानी कि जितना पैसा यहाँ से कमाई गया वो इधर ही लगाया जा रहा है। अभी अस्पताल यहाँ पे फ्री होगा, यहाँ पे यानी कि छोटे से प्लेट से लेकर बड़े प्लेट तक फ्री होगा, तमाम तर फ्री सहूलियात फ्राहम की जाए। हमारी तो कोशिश यही है कि यहाँ पे जो है ना अपना पावर हाउस लग जाए, बिजली फ्री हो जाए। अच्छा, बिजली भी फ्री देने का आप आगे इरादा रखते हैं? माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इनकी आज जाके इंटरव्यू करेंगे ना, वो दरमियाना तबके के लोग हैं, बहुत गरीब है। बिस्मिल्लाह। तो अगर उनकी सपोर्ट करेंगे अल्लाह राजी हो जाएगा। बेशक। यानी आपका जो विजन है यानी जो सोच है वो सिर्फ आपकी गरीब तबके को डेवलप करना है, करेगा ये ट्रेंड चल जाएगा। जो पहले डेवलपर हैं, ज्यादा बड़े डेवलपर हैं, बिल्कुल, उन्होंने जमीन तो ये एक जैसी है लेकिन उन्होंने किया ये है कि इसको ऊपर ले गए सबको। अगर आप बैरिया भी मोलनवाल का रकबा है और ये थीम पार्क भी मोलनवाल का रकबा है, दोनों एक ही रकबे में। उधर आप देखें कि उधर जो है किनाल का 1 करोड़ या 2 करोड़ का घर मिलता है, प्लाट मिलता है, बिल्कुल ऐसी है। इधर जो है ना 5 मरले का 10 लाख का, वो भी 5 साल के साथ में, बिल्कुल ठीक। उन लोगों ने इसको ना ऊपर ले गए थे, गरीब की पहुंच से बाहर ले गए थे। बिल्कुल ऐसे ही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है ना गरीब की पहुंच से नीचे चला जाए, उसकी पहुंच के अंदर आ जाए। वो इतना आमद कहे कि कोई मामला नहीं है, इधर नहीं लेंगे, उधर जाके 2 प्लाट ले लेंगे। बिल्कुल ऐसी है। ये सोच पूरे करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो भाई साहब आगे आप कोई पानी का कोई इस तरह का साफ पानी, हाँ, उस तरीके में भी आप गरीबों के लिए? बिल्कुल, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं 2। अच्छा, 2 फिल्ट्रेशन प्लांट ऑलरेडी लग गए हैं, बाकी भी लगा रहे हैं। जितना हमें हिम्मत है ना, इंशाल्लाह करते रहेंगे और करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके इस प्रोजेक्ट को कामयाब करे। थैंक यू सो मच हाजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बिस्मिल्लाह। ये जनाब फ्री और फ्री कास्ट स्कूल है, इसकी मुकम्मल किताबें वर्दी
पढ़ाई शाई बिल्कुल फ्री, और इस टाइम अकेडमी लगी हुई है, अकेडमी भी फ्री है, अकेडमी भी फ्री है, अकेडमी भी टोटली 11 टीचर ने स्कूल दे ते 11 दूसरी लेडीज टीचर है। अच्छा अच्छा। हां तकरीबन जूतियां वर्दी और पानी शरबत एक टाइम आज साथ पिलाते हैं फ्री। वाह 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 वाह। हां जी आप कितने अरसे से हैं इधर? मुझे तो 5-6 साल हो गए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम यासर अशरफ है, मैं प्रिंसिपल हूँ। अच्छा यासर भाई आप प्रिंसिपल हैं इधर के? जी। उनका यूनिफॉर्म जो है, उनकी स्टेशनरी, बुक्स वगैरह, इवन दैट हम उनको मेल प्रोवाइड करते हैं, जो लंच होता है उनका वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। मील भी इधर मिल रहा है? हाँ बच्चों को मेल भी मिल रहा है, हर लिहाज से। आई साहब जो है, अजी खुशी साहब यहाँ जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो ऑनर है, वो बच्चों को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, तालीम भी मिल रही है। हाँ स्टेशनरी भी मिल रही है, किताबें भी मुफ्त में मिल रही है, और उनको एक्स्ट्रा जो उनके एजुकेशनल अफेयर्स हैं, उनके जो एक्स्ट्रा एजुकेशनल अफेयर्स हैं, मतलब कि जिन बच्चों को एक्स्ट्रा लुक आफ्टर की जरूरत होती है, उनको हम अकेडमी भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। मौजूद हैं स्कूल में बच्चों के, और इधर क्लासेस का एक थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं कि कैसा, क्योंकि स्कूल नहीं इस वक्त एकेडमी चल रही है हमारा, तो एकेडमी आवर्स जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुए। जो हमारा एकेडमी का एक्चुअल टाइम है वो 4 बजे स्टार्ट होता है। अच्छा अच्छा। तो 4 बजे से पहले यहाँ पे इनकमिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चों की। बिल्कुल ठीक। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप लोग इधर पढ़ रहे हैं सारे? स्कूल भी इधर ही आते हैं? तो खाने को भी मिलता है इधर? yes. फ्री में? yes. किताबें भी फ्री? yes. पेंसिल पेन? yes. सब कुछ फ्री? yes. मौजे यार आप लोगों की, तो खुश हो आप लोग? yes. पढ़ाई अच्छी है? yes. अच्छा चलो खूब जम के पढ़ना है, ठीक है, बड़ा आदमी बनना है। yes. चलो अल्लाह हाफिज कर दो। यहाँ पर तालीम हासिल कर रही है। अच्छा ये लड़कियों का सेपरेट है? जी इनका सेपरेट सिस्टम। बिल्कुल ठीक है। जी चोई साहब बताइएगा कि क्या आप यहाँ के रहायशी हैं, और आपका कैसा अभी तक तजर्बा रहा है, और किस तरह से आपने ये प्लॉट एक्वायर किया है? हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर टोकन के साथ ही पोजेशन दिया जा रहा है, क्या इस बात में कितनी रहायश है, और आपका हाउस नंबर क्या है इधर? जी बेशक बिल्कुल ऐसे ही है, ये हकीकत है कि इधर 10,000 रुपये आप टोकन दें आपको कब्जा मिल जाएगा। ठीक है। मेरी रहाइश 452 नंबर ओवर ब्लॉक में है। ठीक है ठीक है। और मैंने भी 10,000 रुपये दे के कब्जा काम शुरू कर दिया था अपने प्लॉट पे, और बकाया पैसे बल्कि मैंने बाद में दिए थे काफी टाइम के बाद। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे टोटल 10 लाख का प्लॉट है किस्तों पे, इंस्टॉलमेंट पे। 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 10,000 रुपए किस्त, मगर इसके साथ इसका 2 लाख ऑन भी चल रहा है। अच्छा ये ऑन की क्या वजह है? ऑन की वजह ये है कि यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है। अच्छा ये शुरू में तो नहीं थे? शुरू में नहीं थे ना, मगर जो बेचारे गरीब लोग थे, किराए पे रहते थे, रेंट पे रहते थे, वो सब लोग इधर जब उनका रुझान हुआ, वो डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि अब 2 लाख 2.5 लाख ऑन एक प्लाट पे चल रहा है। यानी कि लोकेशन के लिहाज से आप लगा लें तो उसका जो है ऑन चल रहा है इस वक्त। मस्जिद और स्कूल तो हर ब्लॉक में अवेलेबल है। अच्छा हर ब्लॉक में माशाल्लाह आबादी हुई है नहीं हुई, मगर मस्जिद और स्कूल बना दिए गए हैं, पार्क बना दिए गए हैं, रोड अभी बन रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, मगर टाइम लगेगा थोड़ा सा, सब कुछ एकदम तो नहीं हो जाना। ये अमीर आदमी का काम ही नहीं है इधर, ये गरीबों के लिए है बस, गरीबों के लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड नहीं करते, जो किराए पे रहते हैं बेचारे, 5-10 हज़ार किराए देते हैं, 10,000 किस दे देते हैं। ठीक हो गया। और प्लॉट भी अपना हो जाता है? प्लॉट भी अपना हो जाता है, मौके पर कब्जा है। मेरा ख्याल है पूरे लाहौर में ऐसा नहीं है शायद कि जहाँ मौके पर कब्जा हो 10-20 हज़ार दे के। वाह थीम पार्क है ये, वाह थीम पार्क है। अब हम मौजूद हैं एक यहाँ पर शॉप ऑनर के साथ, आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि उनका कैसा तजर्बा रहा और वो कब और कैसे यहाँ पर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम परवेज अहमद। परवेज साहब आप हैं क्या करते हैं? मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। आर्मी से रिटायर्ड? आर्मी से। बिस्मिल्लाह। तो आप यहाँ पर इस दुकान के ऑनर हैं? हाँ जी। ये आपकी अपनी ज़ाती दुकान है? ये मेरी ज़ाती दुकान। ठीक है। तो आपने ये इस सोसाइटी से ही परचेज़ की? हाँ इसी सोसाइटी से। तो कैसा रहा आपका तजर्बा पूरा सारे का सारा? बहुत अच्छा रहा, मैंने अपने जो पेंशन थी उसकी ये खरीदी है दुकान, फिर बनाई भी है और इसमें सामान भी फिर रखा है, और ये अभी माशाल्लाह चल रही है, अच्छी चल रही है इधर। बिस्मिल्लाह। तो कोई मसला नहीं है। अच्छा तो प्लॉट वगैरह के लिहाज से आपको कोई मालूम है क्या, आपने इधर कोई प्लॉट वगैरह भी लिया? हाँ एक प्लॉट भी मैंने लिया है रहायश के लिए, यानी कमर्शियल भी और रहायश दोनों मैंने इधर ही लिया। बस इंस्टॉलमेंट मैं पे कर रहा हूँ और रह रहा हूँ आराम से।
रह रहे हैं आप आराम से? किसी किस्म का मसला आपको जब प्लॉट ले रहे थे या कमर्शियल प्लॉट ले रहे थे? नहीं, अभी तक कोई मसला। अच्छे तरीके से गाइड किया गया आपको? अच्छे तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी खवातीनों साहब, इस वक्त हम मौजूद हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जनरल और जो के एमडी भी हैं, हाजी नूर अहमद भट्टी साहब। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनका क्या विजन है, क्या मोटिव है इस सारी चीज के ऊपर। हमारी जो थीम पार्क है ना जी, ये हमारी थीम पार्क जो सोसाइटी है, ये फलाही इदारा है, ये गरीबों के लिए है, जो कि अपना घर खाब में भी नहीं बना सकते थे। ये अल्लाह पाक ने इसका काम शुरू किया है, गरीबों के लिए है, थोड़ा सा एडवांस दे के तो अपना घर बना रहे हैं भाई जान। असल में हमारा ये जो स्कीम है ना, ये हमारा कारोबार नहीं है, ये अल्लाह की स्कीम है और अल्लाह की राह में चल रही है। इसके हवाले में हमने सफिया मेडिकल कम्प्लेक्स शुरू कर दिया है, जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है तला ब्लाक में, और इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर वो शुरू हो जाएगा, वो फ्री। तीनों हज़रात इस वक्त मौजूद हैं, हम अनीस भाई हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या तजर्बा था और उन्होंने क्या सोच कर यहाँ पर प्लॉट लिए। तो बताइएगा अनीस भाई, आप क्या करते हैं? भैया मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, कहाँ पे आपका रिक्शा? मेरा वो वाला रिक्शा खड़ा है, वो साथ ही मेरा प्लॉट है। अच्छा, वो रिक्शा जहाँ पे खड़ा है उसके साथ ही आपका प्लॉट है? जी, मेरा घर बन रहा है। आपका घर बन रहा है, आप खुद बना रहे हैं? मैं तो सोच ही नहीं सकता कि मेरा यहाँ पे घर बन सकेगा, लाहौर शहर में। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे तो जमीन खरीदना क्या देखना बड़ा महंगा है। सही बात कर रहा हूँ, अब देखे कि मेरा घर बन रहा है, ठीक हो गया, बिल्कुल मुनासिब कीमत है यहाँ पे, और हर एक चीज़ का एक मेंटेन अच्छा हुआ हुआ है। तो कितना को एडवांस आपने इस तरह से मंथली किस्त दरा थोड़ा सा? समझ लें कि मैं जितना किराया दे रहा था ना, उतने में ही मेरी अभी ये किस्त है, अपनी ज़मीन बन गई है। अपनी ज़मीन बन गई है लाहौर जैसे शहर में? जी बिल्कुल, यहाँ पे हर एक चीज़ की सहूलत है मौजूद, लेकिन टाइम के साथ हर चीज़ आ जाती है। बिल्कुल ठीक, खुले रोड हैं, खुली फिजा है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, आपकी चीज़ आपको ही मिलेगी, कोई आपकी चीज़ पर। अब एक साल तकरीबन 7-8 महीने हो गया मुझे। बिल्कुल ठीक है, मेरी जगह पे किसी ने आके कब्जा नहीं किया, मेरा तो वो मेरा ही है। बिल्कुल ठीक है, तो अब मैंने शुरू कर लिया घर बनाना, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले, इंशाल्लाह करे इसमें बरकत डाले। अनीस भाई बताइएगा, जब आपने शुरू किया है, अब इसमें भी आसानी है आपको, ईंटें सब कुछ बजरी? मुश्किल नहीं, हमें यहाँ तक कहा गया कि अगर आप चाहें तो हम अपने पास से भी आपको दे देंगे, उसकी भी इंस्टॉलमेंट है। अच्छा, उसकी भी इंस्टॉलमेंट हो रही है? इतना काम है, आपको घर बनवा के भी इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, बजरी सीमेंट ईंट की भी इंस्टॉलमेंट है। वाह वाह वाह, कोई मसला नहीं है किसी तरह के। गरीब बंदे के लिए घर लेना सबसे बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस कॉलोनी में गरीब बंदा ही रह सकता है। बिल्कुल ठीक है, इतना आसान, बिल्कुल आसान सी किस्त, आसान सा एडवांस और फौरी मौके पे कब्जा। मैं अब एडवांस देकर कब्जा करके घर बना रहा हूँ। देखा कि किस तरीके से अनीस भाई जो एक रक्षा चलाते हैं, जो कभी भी नहीं सोच सकते थे, ऐसे ही अनीस भाई बिल्कुल, जो कभी भी ऐसा तसव्वुर नहीं कर सकते, सोचते ही नहीं थे कि उनका कभी लाहौर जैसे शहर में अपना घर बनेगा। 6 मरले का मेरा अपना प्लॉट है, 6 मरले का अपना प्लॉट है, नाम पे हो चुका है, उनके नाम पे हो चुका है, 6 मरले का उनका प्लॉट है, और उनका ख्वाब फाइनली सच हो रहा है कि वो अपने घर वालों के लिए इधर अपना एक घर बनाएंगे। अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले अनीस भाई, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब की नाम है ताड़ा? नदीम नाम सर मेरा। नदीम भाई की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लाजा ताड़ा है जी? जी सर। बिस्मिल्लाह। ते नदीम भाई, ये सीमेंट दी तुसी दुकान बनाई है ते लोकां नु सीमेंट दंदे हो घर बनाने वास्ते? जी जी। ते जे कोई गरीब लोग होंदे ने जी, उन वास्ते कोई रियायत भी कर दंदे? बिल्कुल जनाब, मुकम्मल डिस्काउंट करने उनां नु फैक्ट्री रेट ते भी दे दंदे हो, ते कोई इंस्टॉलमेंट ते लेना चाहे ते उनू भी दे दंदे हो? बिल्कुल सर, दे दंदे उनां नु। ठीक हो गया, यानी लोकां जेड़े गरीब लोग ने ओ आसानी कर ले क्रेडिट, कोई लोग होंदे ने जे महीने बाद पैसे देंगे ते असीं उनां नु ओही फैसिलिटी दे दिंदे हां। क्या बात है नदीम भाई, ए ते बड़ा तुसी चंगा काम कर रहे हो। नदीम भाई किन्ना अरसा हो गया तुहानू इधर? सर सानू तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल तू इत्थे ही हैगे, ते सोसाइटी दे बारे च की ख्यालात ने ताडे इत्थे जिहड़े प्लॉट मौके ते कब्जा दे रहे ने? जी सर, ये गरीब लोगों वास्ते बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मतलब इस तो सस्ती स्कीम मेरा ख्याल लाहौर दे राउंड बोर्ड किते भी नहीं है। ठीक है, और सब तो वड्डी फैसिलिटी है कि लोग चंद 1000 रुपए दे के कर्जा ले लेंदे, कब्जा ले लेंदे ने, फौरन अपना घर बना देने आसानी नाल, सहूलतां नाल, जो किराया उन्हें बाहर देना वो अपना किस्तां दे के अपना घर बसा लेंगे लोग। रेंट तो बचने वास्ते इस तो अच्छी सोसाइटी और पूरे लाहौर च नहीं, अक्सर सोसाइटियां देखो 2.5-3 साल बाद कब्जा देंगे ने तकरीबन अपनी 75% रकम लैके। बिल्कुल, वाहद सोसाइटी जी चंद 1000 रुपया लैके ਤਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਫੋਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵੀਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ
इतना कीता, बहुत शुक्रिया। तो फजल भाई, मुस्तकबिल आपको लग रहा है कि इधर बहुत ही ये पूरा शहर बन गया हुआ है? पूरा एक शहर बन गया हुआ है। अभी जो डेवलपमेंट रह गई है वो जब मुकम्मल हो जाएगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस वाज थीम पार्क वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी। अगर आप किसी भी ऐसे शख्स या फर्द को जानते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक प्लॉट या अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो उतनी वक़्त नहीं रखते कि वो एक महंगी कॉलोनी में अपना प्लॉट खरीद सकें या उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकें, तो उन लोगों के लिए थीम पार्क वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनको मदरजा ज़ैल नंबर पर कॉल करवा कर आप डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की पेशकश कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और हूएवर यू कैन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, शामून। जी, ये वजीशा है हमारे कैमरामैन माशाल्लाह से। जी वजीशा, आपको कैसा लगा है इस पूरे वोट फॉर फजल भाई? वोट फॉर फजल।